नमस्कार, मैं पत्रकार राजकुमार और आप सबने देखना शुरू कर दिया है टीएलआर। सबसे पहले आप ये तमाम विजुअल्स देख ले, इसके बाद जो है इस घटना के बारे में आगे बात करेंगे। नमस्कार, मैं पत्रकार राजकुमार और आप सबने देखना शुरू कर दिया है टीएलआर। आप तमाम लोगों ने जो है विजुअल के माध्यम से देखा और आप तमाम लोगों को बता दें कि इस समय की जो है ये सबसे दुखद खबर निकल कर सामने आ रही है और जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि हादसा जो है वो हुआ है और हादसा कहां पर हुआ है, ये तमाम चीजें भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आप तमाम लोग जो है एक बार फिर से इन विजुअल्स को देख लें और पूरे विजुअल्स जो है हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं कि ये टाटा सुमो है, जुंगा है ये लोड कैरियर, और इसके साथ में जो है वो स्कूटी टकराई है और इसका नंबर JK06A9732 जो है वो जुंगे का नंबर था। और इसके अलावा बताया जा रहा है, जो भी सोर्सेज के अनुसार जो है वो जानकारी हम तक पहुंच रही है, उसके तहत जो है एक स्कूटी इसके साथ जो है वो टकराई है और उसके बाद ये हादसा जो है वो पेश हुआ है। देख सकते हैं कि जो लोड कैरियर है उसकी हालात किस तरीके की है, और जो बदरून पुल है, जितने भी लोग वहाँ रास्ते से गुजरते हैं उन्हें मालूम है कि बदरून कहाँ पर है। लगभग गढ़ से जो है 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर आगे जाकर जो है वो पुल आता है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर यह हादसा हुआ है, जिसके बाद स्कूटी और लोड कैरियर ये दोनों जो है नीचे नाले में जा गिरे हैं। ये तस्वीरें जो है वहाँ से निकल कर सामने आई है, देख सकते हैं कि काफ़ी नीचे ये जो पुल आपको इस समय तस्वीरों में दिख रहा है, यहाँ पर जो है ये हादसा हुआ है और यहाँ से काफ़ी नीचे जो है वो दोनों चाहे लोड कैरियर और स्कूटी दोनों गिर कर जो है वो नीचे बजी हैं। और उसके बाद की ये तस्वीरें जो है इस समय आप देख सकते हैं। ये सारी तस्वीरें जो है इस समय आपने देखी और आप तमाम लोगों को बता दें कि अभी से कुछ समय पहले जो है ये हादसा बदरून के सामने जो है वो पेश आया है, जहां पर आप तमाम लोगों को पता है कि नीले कलर का पुल है, वहां पर थोड़े से आगे जो है बबोर की ओर ये हादसा जो है वो पेश आया है, जिसमें स्कूटी जो है स्कूटी और लोड कैरियर आपस में टकराए हैं। उसके बाद लोड कैरियर भी जो है वो नीचे रोड से चले गया है और नीचे नाले में पहुंचा है, लेकिन जो स्कूटी है वो थोड़ी सी नीचे रोड से जो है वो बची है। और बताया जा रहा है कि दोनों जो शख्स थे, चाहे एक स्कूटी चालक और दूसरे जो लोड कैरियर को चला रहे थे, और अब तक जानकारी भी यही है कि सिर्फ वही दो लोग थे और दोनों की हालत गंभीर है और मौके पर एम्बुलेंस जो है वहां पर पहुंच चुकी थी, उन्हें जो है जीएमसी डोडा के लिए लाया गया है। एक बार मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि जो जुंगा था, जुंगे का नंबर JK06A9732 जो है इस जुंगे का नंबर है, लोड कैरियर का नंबर एक बार फिर अगर मैं आपको बता दूं तो JK06A9732 था, और इसके अलावा जो स्कूटी है, स्कूटी का नंबर JK02BX6450 स्कूटी का नंबर जो है वो बताया जा रहा है। और इस समय जो है वहाँ पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद जो है तमाम जितने भी लोग थे वहाँ पर मौके पर पहुँचे, उन्होंने जो है उन्हें वहाँ से निकाल दिया और बताया गया कि मौके पर ही जो है वहाँ पर एम्बुलेंसेज आ चुकी थी और उसके बाद उन्हें GMC डोडा जो है वो लाया गया। लंबे अरसे के बाद जो है ऐसा देखने को मिला कि फिर से हमारे इस सराज की ओर जो है एक हादसा पेश आया है, और इसमें अभी तक की जो भी कुल जानकारी निकलकर सामने आई है उस जानकारी के मुताबिक कि दो लोग जो हैं, एक स्कूटी चालक थे और एक
अनलोड करियर जो है वो चालक थे और दोनों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है और उन्हें डिस्ट्रिक्ट डोडा के डोडा हेडक्वार्टर में जो है हॉस्पिटल में ला लिया गया है। आप तमाम लोगों को बता कि जो स्कूटी के को चलाने वाले थे उनका नाम जो है वो पंजाब सिंह बताया जा रहा है कि पंजाब सिंह उनका नाम था और वो बदरून के अंदर ही दुकान जो है वो चलाया करते थे, दुकान पर काम करते थे। अब ये किस तरीके से जो है ये हादसा हुआ, कौन सही था, कौन गलत था, कौन रॉन्ग साइड आ रहा था, ये तो वो लोग बता सकते हैं जो मौके पर वहां पर मौजूद थे या जो स्कूटी चालक है, जो लोड कैरियर चालक है, वही जो है इस बारे में बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल दुखद खबर जो है वो ये निकल कर बदरून से सामने आई है, जहां पर अभी से कुछ समय पहले जो है ये दोनों गाड़ियां जो है वो आपस में टकरा गई और बताया जा रहा है कि दोनों की हालत जो है वो गंभीर है और उन्हें जीएमसी डोडा जो है वो लाया गया है। आगे जो भी जानकारी आएगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो स्कूटी चालक थे वो वहीं बदरून के रहने वाले थे और उनका नाम जो है मैंने और वो बदरून के रहने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो लोड करियर चलाने वाले थे वो पार्वती के बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम जो है अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। जैसे ही पूरी जानकारी जो है वो हम तक पहुंचती है हम आपको ज़रूर बताने की जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तमाम चीज़ें जो है हमने आप लोगों तक पहुंचाई और उम्मीद करते हैं कि ये जो दोनों शख्स थे ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई बहुत बड़ी ज़्यादा इंजरी जो है वो ना हो। इसके अलावा आपके पास भी कोई और जानकारी हो तो ज़रूर टीआरआर के माध्यम से जो है हमें भेजने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन एक बार अगर मैं फिर आपको बता दूं तो एक लोड कैरियर और स्कूटी दोनों बदरून पुल के थोड़ा सा आगे जाके बबोर की ओर जो है आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद जुंगा जो है वो नीचे पानी में आकर जो है वो गिर पड़ता है, जो नाला है नीचे वहाँ पर जो है जुंगा आके जो है वो गिर पड़ता है और स्कूटी रोड से वो भी नीचे आ जाती है। और दोनों बताए जा रहे हैं कि जो दोनों चालक थे सिर्फ दो ही लोग थे, इनके अलावा कोई और जो है वो तीसरा नहीं था। लेकिन क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है जिसमें यह बताया जा सके कि कोई तीसरा और शख्स भी जो है इनके साथ में था, और दोनों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है और एम्बुलेंसेज जो है वो मौके पर आ गई थी और उन्हें वहाँ से जीएमसी डोडा के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। और आगे जो भी जानकारी निकल कर सामने आएगी वो हम ज़रूर आप तक जो है वो पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए राजकुमार को इजाज़त, अब बने रहें टीएलआर के साथ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।